गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आई एम इंग्लिश टीचर। वेलकम ऑल ऑफ यू योर इन इंग्लिश क्लास। चिल्ड्रेन, टुडे आई विल टीच यू आर्टिकल। व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल आर वर्ड्स यूज बिफोर एंड मॉडिफाइज नाउन। मीन्स आर्टिकल वो वर्ड्स होता है जिसे हम नाउन के पहले मॉडिफाइज करने के लिए यूज करते हैं। ए एन द आर द आर्टिकल। ए एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड द इज द डेफिनेट आर्टिकल्स। There are 26 letters in English alphabets. A, E, I, O, U. These are the vowels. There are 5 vowels and others rest are 21 consonants. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. These 21 are the consonants. Use of N. Where I use an, we use an with the words of vowel sound. हम an को vowel sound के साथ use करते हैं। जब हम कोई words letter बोल words बोलते हैं तो जहाँ हम vowel का sound होता है वहाँ पर हम an का use करते हैं। For example, an ink pot. Here I use ink. I an umbrella. This is also vowel. An orange. Orange is vowel. An apple. An ant. An ice cream. So I see here all these first words are vowel. So I use here an. Use of a. We use a with the words of consonant sound. जहाँ पर consonant sound का words होता है वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, अ चेयर, अ टेबल, अ मैन। हियर ऑल वर्ड्स आर कॉन्सोनेंट, सो दिस देयर आई यूज अ। बट समवेयर हियर इज रिटन वर्ड्स विद द वॉवेल बट साउंड विद consonants, as a European. यहाँ पर a European, यहाँ पर हम vowel ना बोलकर European use कर रहे हैं, consonant का use हो रहा है। and a university, यहाँ पर भी u vowel लिखा हुआ है but pronounce हम कर रहे हैं, sound मेरा consonant का हो रहा है। so यहाँ पर हम a का use करेंगे। use of the, we use the, हम the का use कहाँ का करते हैं? For definite things which we know, जो वस्तु चीज़ हमें पता होती है वो definite है कि वो वस्तु वहाँ पर है, वो चीज़ वहाँ पर है, तो वहाँ हम the का use करते हैं। For example, the window, the bench, हमें पता है window है, bench है, so I use here the. For measurement, कोई चीज़ के नाप के लिए हम the का use करते हैं, the little water, the liter. And third is for invention and electric device. कोई इन्वेंशन होता है या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है उस वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं, द टेलीविज़न, द फैन, द मोबाइल। नेक्स्ट इज फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सन, किसी पर्सन के पोस्ट को उसके पद के लिए हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं, द एमएलए, द लीडर। फॉर पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, जब बॉडी के पार्ट्स के नेम आते हैं वहाँ भी हम द का यूज़ करते हैं, द आई, द नोज। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होती है वहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं। डिग्री 3 टाइप्स होती है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम द का यूज़ करते हैं, द बेस्ट, द बेस्ट में सबसे अच्छा, द मोस्ट सबसे ज़्यादा। एंड फोर्थ इज, सेवन्थ इज फॉर फेमस एंड यूनिवर्सल थिंग, जो कोई चीज़ बहुत फेमस होती है, यूनिवर्सल होती है, वहाँ भी हम द का यूज़ करते हैं, द सन, द अर्थ, द मून, द स्टार। एंड सो आई सी हियर, आई यूज हियर ए एंड द। यूज ऑफ आर्टिकल इन सेंटेंस, हम हियर आर सम सेंटेंसेस, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट यहाँ पर क्या है, एच कॉन्सोनेंट है बट हम प्रोनाउंस कर रहे हैं साउंड ओ से आ रहा है, ये एच वर्ड साइलेंट है,
देन आई यूज योर एन. द रामायण इज ए होली बुक. रामायण इज अ होली बुक, सो आई यूज योर द. द सन राइजेस इन द ईस्ट. द सन सन इज अ यूनिवर्सल थिंग. शी इज द बेस्ट गर्ल. बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री. नैना लाइक्स टू ईट एन ऑरेंज. ऑरेंज इज अ वोवेल. शीला कैन नॉट सी विद द आईज. आईज आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी. द फैन इज वेरी स्लो. फैन इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. आई मेट अ यूरोपियन. हियर आई यूज अ बिकॉज आई यूज यूरोपियन. दिस इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. ही इज एन इंडियन. सोना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. इंटेलिजेंट इज अ वोवेल. हरी इज अ ब्रेव बॉय. हियर आई यूज ब्रेव. दिस इज अ कॉन्सोनेंट. सो चिल्ड्रेन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट इज आर्टिकल एंड यूज ऑफ आर्टिकल. थैंक यू. जय हिंद.